हाय स्टूडेंट्स, क्लास फिफ्थ, फ्रैंक प्राइमरी साइंस, चैप्टर 10, लाइट एंड शेडो, टॉपिक ऑन पेज नंबर 131, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, बनावटी सैटेलाइट्स। यू आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट द मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। आप जागरूक हैं कि जो मून होता है वह प्राकृतिक सैटेलाइट होता है अर्थ का। साइंटिस्ट्स हैं, हैव डेवलप्ड मशीन, उन्होंने मशीन को डेवलप किया है, दैट आर सेंट इनटू स्पेस, जो स्पेस में भेजा गया, टू ऑर्बिट प्लैनेट्स, प्लैनेट्स के ऑर्बिट सच एज आवर अर्थ, हमारी अर्थ के प्लैनेट्स के ऑर्बिट में, स्पेस में भेजा गया, जो सैटेलाइट्स साइंटिस्ट ने डेवलप किए। सच मशीन्स आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। स्पुटनिक फर्स्ट वाज द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट टू बी सेंट इनटू स्पेस, जो स्पेस में भेजी गई सबसे पहली सैटेलाइट स्पुटनिक फर्स्ट थी। एंड आर्यभट्ट वाज इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट टू बी सेंट इनटू स्पेस, और आर्यभट्ट इंडिया की पहली सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो स्पेस में सेंट की गई थी। सिमिलरली सामान्यतया मंगलयान और मार्स ऑर्बिटर, जो मार्स ऑर्बिटर हैं या मंगलयान हैं, मिशन मॉम लॉन्च्ड बाय इंडिया इज ऑर्बिटिंग मार्स सिंस 24 सितंबर 2014 को मार्स ऑर्बिटिंग में इंडिया में लॉन्च की गई थी मॉम। द फैक्ट फाइल, चंद्रमान फर्स्ट वाज इंडियाज फर्स्ट प्रोब टू द मून, पहली जांच करने में चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया था, इट वाज लॉन्च इन 2008 में लॉन्च किया गया था। द मोस्ट सिग्निफिकेशन अचीवमेंट्स ऑफ चंद्रयान वाज, जो महत्वपूर्ण जांच की उपलब्धि थी चंद्रयान की, वह थी डिस्कवर ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल की खोज की इन द सोयल ऑफ द मून, मून की सोयल में। नाउ आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर यूज्ड टू द अस सेवरल वेज। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स सेवरल वेज से यूज की जाती है। दे आर कंट्रोल्ड बाय सेंटर्स ऑन द अर्थ, यह सेंटर्स को, अर्थ के सेंटर्स को कंट्रोल करती है। नाउ सेकंड, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। कम्युनिकेशन के लिए जो सैटेलाइट्स होती हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर यूज टू रिले रेडियो एंड टेलीविजन प्रोग्राम्स, टेलीविजन और प्रोग्राम्स देखने के लिए, रेडियो सुनने के लिए ये कम्युनिकेटिव सैटेलाइट्स के द्वारा होते हैं। दे ऑल्सो हेल्प इन सेंडिंग टेलीफोन सिग्नल्स टू फार ऑफ पैलेस, दूर सिग्नल्स भेजने के लिए टेलीफोन्स के ये हेल्प करते हैं, एग्जांपल्स GSAT-16। नाउ वेदर सैटेलाइट्स, वेदर सैटेलाइट्स आर यूज्ड टू स्टडी द एटमॉस्फेयर कंडीशन, ये जो वातावरण की जो कंडीशन देखने के लिए सैटेलाइट्स यूज की जाती हैं। फ्रॉम विच वेदर फोरकास्ट आर मेड, वेदर की इंफॉर्मेशन लेने के लिए जो सैटेलाइट्स लॉन्च की गई हैं, वेदर सैटेलाइट्स होती हैं, दे गिव वार्निंग अबाउट फोर्थ कमिंग स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स, साइक्लोन्स और स्टॉर्म्स आने से पहले वे हमें इंफॉर्मेशन दे देती हैं, वार्निंग दे देती हैं, चेतावनी दे देती हैं। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होती हैं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट आर दोज दैट टेक फोटोग्राफ्स ऑफ द अर्थ, जो अर्थ का फोटोग्राफ्स लेती हैं, वे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स होती हैं। दीज फोटोग्राफ्स हेल्प साइंटिस्ट टू स्टडी द फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के फीचर्स को स्टडी करने के लिए साइंटिस्ट को ये मदद करते हैं, एग्जाम्पल्स कार्टोसैट 3, एग्जाम्पल है कार्टोसैट 3 का। नाउ साइंटिफिक सैटेलाइट्स, साइंटिफिक सैटेलाइट्स हेल्प अस टू स्टडी स्पेस एंड ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स
गैलेक्सीज और स्पेस के बारे में जो स्टडी है वो करने के लिए साइंटिफिक सैटेलाइट्स का यूज किया जाता है। द एडवांसमेंट इन साइंस में जो एडवांसमेंट हैज़ एनेबल हो चुका है मैन टू लर्न सो मच अबाउट द यूनिवर्स, कि जो मैन है वो यूनिवर्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ सकता है, एंड हैज़ मेड लाइफ इजियर एंड कम्फर्टेबल, और अपनी लाइफ को इजियर और कम्फर्टेबल बना सकता है। नाउ दैट्स द आर्यभट्ट डायग्राम एंड दैट्स द GSAT. So thanks students, you will try to understand this video with the help of this video. Thanks.